एवरीवन क्या हाल चाल हैं आप सबके वेलकम बैक टू माई चैनल और आज हम बनाते हैं जी बहुत ही फेमस मिडल ईस्टर्न डिजर्ट बसबूजा जो कि यू ए वगैरह में बहुत शौक से खाई जाती है रमज़ान स्पेशल रेसिपी है वैसे भी आप बनाएं तो इतनी मज़े की बनती है कि पेट भर जाता है लेकिन नीयत नहीं भरती बहुत ही मुनासिब मीठा बहुत ईजी है बनाना सो लेट्स गेट स्टार्टड आधा कप हम लेंगे जी इसके अंदर चीनी साथ में हम डालेंगे एक अदद अंडा फिर हम लेंगे आधा कप ऑयल कोई भी न्यूट्रल ऑयल ले लें जिसकी अपनी स्मेल ना हो कॉर्न ऑयल कनोला ऑयल वेजिटेबल ऑयल सब चल जाएगा मैंने यहाँ पे हैंड बीटर यूज़ किया है आप इसको रेगुलर विस्क से अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे जब तक ये हल्का सा पेल येलो कलर हो जाए इसका आधा कप जाएगा इसके अंदर योगर्ट दही और आधा कप जाएगा इसके अंदर डेसिकेटेड कोकोनट नारियल साथ में जाएगी एक कप इसके अंदर सूजी रवा और इसको अरेबिक सेमोलिना केक भी कहते हैं सो so, ये सूजी जो है वो इसका मेन इंग्रेडिएंट है साथ में हम लेंगे आधा टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से हल्का हल्का मिक्स करेंगे जब आप इसको मिक्स करेंगे सब चीज़ें इसकी मिलके इसको एक थिन कर देंगी थिन बैटर इसका बन जाएगा शुरू में लगता काफ़ी थिक है लेकिन ये इसकी कंसिस्टेंसी आ जाएगी बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ हैं बट दिस इज़ हाउ आई मेक इट और बहुत इजी बहुत मजे का बन जाता है एक मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है अवन सेफ ट्रे है ये उसके अंदर मैंने नीचे बटर लगा लिया था आप थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं उसको ग्रीस कर लें सारा का सारा बैटर हम इसके अंदर डालेंगे और दो तीन दफ़ा इसको अच्छा सा टैप कर लें ताकि इसके अंदर कोई भी एयर बबल हमें नज़र ना आए अच्छा फिर मैंने एक नाइफ़ ली है उसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगाया था मैंने और इस तरह मैंने इसके ऊपर पैटर्न बना दिए हैं ताकि जो बादाम रखने में मुझे आसानी हो कि किस तरह का पैटर्न बनाना है लेकिन ये स्टेप ज़रूरी नहीं है आप सिंपल बिल्कुल मिडल में एक लाइन लगा सकते हैं और लेफ़्ट राइट इसके बादाम रख सकते हैं बट ये इसकी थोड़ी सी ट्रेडिशनल लुक है कि वो स्क्वेयर्स में या ट्राइंगल्स में निकलता है तो मैंने इस तरह ही बनाने की कोशिश की और हमने प्री हीट कर लेना है एवन को 180 एटी डिग्रीज पे और 30 टू 35 फाइव मिनट इसको बेक कर लेना है अंटिल ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए निकाल के हम इसको बाहर रख लेंगे साइड पे उतनी देर में हम बनाएंगे शुगर सिरप शुगर ली है आधा कप पानी लिया है आधा कप और दो टी स्पून लेमन जूस जाएगा इसके अंदर या छोटा सा लेमन का टुकड़ा डाल लेंगे हम और इसको हम मीडियम हीट के ऊपर अच्छा सा पका लेंगे इसको बस हमने सिर्फ मेल्ट करना है शुगर को कोई इसका थिक वाला शीरा नहीं बनाना सिर्फ शुगर शुगर सिरप बनाना है और हमारा खूबसूरत सा बसबूसा निकल के तैयार हो गया था अब मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया यानी कि पाँच मिनट इसको रख ही रखा और जो हमारा शुगर सिरप था वो हम इसके ऊपर डालेंगे वो बॉइलिंग हॉट नहीं होना चाहिए लेकिन मुनासिब गर्म ही हो वो तो इस तरह मैंने इसके ऊपर पहले पैटर्न बना लिया सारी की सारी नाइफ से इसको काट लिया और फिर हमने इसके ऊपर डाल देना है जी शुगर सिरप सारा का सारा मेक श्योर करें सारी जगह पर अच्छे तरीके से डालें इसका शुगर सिरप और इसके अंदर भी जितनी शुगर डली हुई है वो इतनी मुनासिब है बहुत बैलेंस होती है कि बिल्कुल भी ओवर शुगर नहीं है बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट बनता है और बस आप इसको थोड़ी देर ठंडा करें एटलीस्ट आधा पौना घंटा ठंडा करें ताकि शुगर सिरप अच्छा सा अंदर सोक हो जाए और आपका बेस्ट किस्म का बसबूसा तैयार है ज़रूर ज़रूर गाय इसको रमज़ान में ट्राई करें अफ्तारी में ट्राई करें मेहमानों को घर वालों को खिलाएं बहुत मज़े का बनता है और बहुत ईजी है मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ अन देन अल्लाह हाफिज